बेटा फाइल पे जाओगे, न्यू पे जाओगे, न्यू प्रोजेक्ट करोगे ASP.NET। अब यहाँ पे वेब ऐप के साथ जो है वो आप यहाँ पे लिख लेना साथ में ही, कि भाई आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास हमारे पास यहाँ पे काम क्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डेटाबेस, ठीक है, अंडरस्कोर ANP। ठीक है, कि हम डेटाबेस का काम कर रहे हैं लेकिन ASP पे कर रहे हैं, MVC पे नहीं कर रहे, ASP पे कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो भी फाइल वगैरह हमारी जहाँ होगी वहाँ उसको क्रिएट रहने दो। ओके करो, एम्प्टी, देन वेब फॉर्म, देन ओके। सही है, अब मैं डेटाबेस से काम बता रही हूँ कि डेटाबेस से डिपेंड करता है तुम अलग से SQL सर्वर पर डेटाबेस बना लो या तुम इसका अपना बिल्ट इन यूज कर लो। कौन सा यूज करना आप पसंद करेंगे? ये होता है कि अगर आप बिल्ट इन कर लो तो जब भी आप प्रोजेक्ट लेके जाओगे अपने घर पे या इधर उधर तो आपका डेटाबेस साथ जाएगा, लेकिन अगर आप SQL सर्वर में बनाते हो तो फिर आपको उसको एक्सपोर्ट करके अलग से डेटाबेस लेके जाना होगा। समझ में आई बात? अब सबसे पहला काम हमने ये करा है कि हमने अभी न्यू प्रोजेक्ट करा है, बात समझ गए? ठीक है, इसके बाद हमने प्रोजेक्ट पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आप यहाँ देख सकते हो आपके पास यहाँ पे ऐप डाटा है और मॉडल का फोल्डर है। तो मैं ऐप डाटा के ऊपर राइट क्लिक करके ऐड करूंगी, ठीक है, न्यू आइटम। यहाँ आने के बाद मैंने कहा मुझे क्या लेना है, SQL सर्वर डेटा बेस। डेटा बेस का मुझे नाम क्या रखना है वो मैं यहाँ पे रखूंगी। लेट सपोज मैंने यहाँ लिखा एपटेक, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे ऐड करा दिया। ये यहाँ पे ऐड हो गया एपटेक DB। अब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगी तो मेरे पास साइट में एक सर्वर एक्सप्लोजर खुल के आएगा, ठीक है। इसके ऊपर मेरे डेटाबेस का नाम आ रहा है और बिल्कुल वैसे आ रहा है जैसे साइट में SQL सर्वर पे चीजें आ रही कि टेबल है, व्यूज है, स्टोर प्रोसीजर है, फंक्शन है, टाइप है। टेबल पे मैं क्लिक करूंगी, मेरे पास कोई टेबल नहीं बना, बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, आपने टेबल के ऊपर डेटाबेस बनाने के बाद टेबल पर क्लिक कर एड न्यू टेबल के ऊपर क्लिक करना है। एज इट इज एप वही चीजें खुलेंगी जो आपकी SQL सर्वर पे जैसा डिस्प्ले आता है, क्योंकि SQL सर्वर वो भी .NET है, ये भी .NET है, तो दोनों के डिस्प्ले में इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये चीजें आ रही, पहले आप यहाँ तक काम करें फिर मैं इसके आगे कंटिन्यू करा रही हूँ। क्विकली टेबल से आने के बाद मैंने राइट क्लिक करके एड न्यू टेबल करा, कर लिया। नीचे मेरे पास टेबल की क्यूरी आ रही है, ऊपर मेरे पास टेबल का स्ट्रक्चर आ रहा है, सही है। बाय डिफॉल्ट मेरे पास आईडी है, इंटीजर टाइप है, ठीक है। हमें जो करना है वो स्टूडेंट का टेबल क्रिएट करना है, आईडी आ रही है स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद हमने कहा नेम है, नेम के बाद मैंने कहा ये मेरे पास वार्चार है, ठीक है, वार्चार 50 मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अलाउ नल का मतलब इनको नल रखना है या नहीं, अगर रखना है तो चेक लगा देंगे, एम्प्टी नहीं छोड़ना इंसर्ट करते हुए तो चेक हटा देंगे, मतलब नाम तो लागनी चाहिए मुझे। ईमेल चाहिए वार्चार, ठीक है, स्टूडेंट का नाम, ईमेल, उसका बैच, बैच अभी इसमें लगाना है तो खैर लगा लो, मर्जी है। बैच कोड एंटर कर दी जा रही हूँ, खुद ही आ रहे, ठीक है, वार्चार नीचे कोड आप देख रहे होंगे, मैं लिखती जा रही हूँ कोड आता जा रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ कहा नाम हो गया, ईमेल हो गया, बैच कोड हो गया, ठीक है, एड्रेस हो गया। अच्छा ये मुझे ना 50 नहीं रखना, लेट सपोज मुझे इसको ना ज्यादा रखना है, चाहिए कोई मसला नहीं। आपके पास आपने यहाँ पे लिख लिया वार्चार, अब इसके ऊपर यहाँ जाके कर्सर रख के क्लिक करके वहां से चेंज कर दो या नीचे से चेंज कर दो, आपकी अपनी मर्जी। यहाँ से भी चेंज करोगे तब भी यहाँ चेंज हो जाएगा। एड्रेस हो गया, सेल नंबर हो गया, और ये भी मैंने क्या रखा है, वार्चार करके रखा। इन पे मैंने कहा है अलाव नल, यानी ये बाद में भी इंसर्ट किए जाते हैं, इतनी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। जो मैंडेटरी है आईडी, नेम, ईमेल और है बैच कोड हम बाद में भी रख सकते हैं, अभी स्टूडेंट हमने कर लिया, उसकी क्लास या सेक्शन हम बाद में डिसाइड करेंगे। तो उसका नाम होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, सेल नंबर उसका हमने लॉग नहीं लेना है, एड्रेस हम बाद में अपडेट करा सकते हैं, ठीक
ठीक है, ताकि हम उससे कॉन्टेक्ट कर सकें। दूसरी चीज है हमारे पास यहाँ पे है जेंडर, कि हमारे पास जो स्टूडेंट है वो मेल है या फीमेल है, ताकि हम सॉर्टिंग में आसानी हो जाती है। कि लेट्स सपोज हम जैसे कोई चीज सर्च कर रहे हैं, तो हम ये ख्याल है कि हमारे सेंटर या हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर कितने फीमेल स्टूडेंट है, कितने मेल स्टूडेंट है, उसको आप इस चीज से कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे जेंडर लिख दे रहे हैं। अब इसके अंदर 50 लेंथ का जरूरी नहीं है, इसमें आप जो है वो 10 लेंथ कर दो। तो मैंने यहाँ पे 10 करके नीचे से चेंज है। अब रहा सवाल ये कि टेबल का नाम कहाँ से चेंज करूं मैं, कि ये स्टूडेंट का टेबल है। अगर मैं इसको ऐसे ही सेव कर दूंगी तो ये तो टेबल के नाम से सेव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्रिएट टेबल और ये टेबल आ रहा है। आपने इसका नाम ऊपर कहीं चेंज करने के लिए आपको नहीं मिलेगा, आपने जो चेंज करना है वो आपने ये चेंज करना है, यहाँ से टेबल को मिटाना है और मिटा के मैंने यहाँ लिखना है स्टूडेंट, सही है, कि ये स्टूडेंट का टेबल है जिसके अंदर उसकी आईडी, नेम, ईमेल, बैच कोड, एड्रेस, सेल नंबर, जेंडर, ये सारी चीजें। इसके अलावा और कुछ तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तो वो भी इसके अंदर डाल सकते हो। बेसिक चीजें मैंने ये सिर्फ इसके अंदर डाल दी, ठीक है। यहाँ से हम लिखते चले गए, कोड जनरेट होता चला गया, हमें जो चीजें चेंज करनी थी हमने डायरेक्ट जाके कोड पे लिख के चेंज कर ली। अब रहा सवाल मेरे पास आईडी, मैं कह रही हूँ आईडी मेरी ऑटो इंक्रीमेंट है, ठीक है, प्राइमरी की है, ऑटो इंक्रीमेंट है। इस पे आओ, राइट क्लिक करो, इसकी प्रॉपर्टीज पे आ जाओ। यहाँ प्रॉपर्टीज आ रही होंगी साइड में, आ रही है, इधर आ रहा होगा आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, ये फॉल्स होगा, इसको मैंने कर दिया टू। इस कॉलम को सिलेक्ट करके काम करना है कि मैं इस कॉलम की प्रॉपर्टीज पे काम कर रही हूँ। इंक्रीमेंट वन का है, स्पीड वैल्यू मतलब स्टार्ट सीरीज कहाँ से करनी है वो आगे आ रही है। जैसे मैंने लिखा इसने यहाँ डिफाइन कर दिया, या तो ये तुम खुद से टाइप कर लो या इसकी प्रॉपर्टीज पे जाके कर लो। अब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो ईमेल एड्रेस है, जो सेल नंबर है स्टूडेंट का, वो किसी और का रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पर्सनल नंबर है। अगर मैं ये कहूँ कि पेरेंट का नंबर है, तो चलो पेरेंट का नंबर तो रिकॉर्ड में सेम हो सकता है क्योंकि बहन भाई पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पेरेंट्स नंबर सबका सेम आ रहा होगा, लेकिन पर्सनल नंबर किसी का सेम नहीं होता, ठीक है। तो हम ईमेल सबकी अपनी डिफरेंट होती है। आप या तो इसकी प्रॉपर्टीज से लिख लो या डायरेक्टली हम यहाँ पे जाके क्या कर देंगे, यूनिक लिख देंगे। मैंने कहा ये यूनिक है, बात समझ में आ रही है। यूनिक का मतलब है कि ये जब दूसरा रिकॉर्ड में डालूंगी ना, वो सेम नहीं हो सकता। और ये सेल नंबर है, ये भी मेरे पास यूनिक है। यहाँ आप देख सकते हैं ये कीज में इसने ऐड कर दिया, सही है, जहां तक कोई इशू। ये सब करने के बाद आपने इसका अपडेट का बटन क्लिक करना है। जैसे ही मैं अपडेट कर रही हूँ कि मैंने जो भी क्रिएट किया उसे अपडेट कर दो, तो मेरे पास यहाँ आ रहा होगा अपडेट डेटाबेस। जनरेट स्क्रिप्ट नहीं करानी मुझे, यहाँ क्या करना है, अपडेट डेटाबेस पे क्लिक करना है। इसपे मैंने जैसे ही क्लिक करा, ठीक है, मेरे पास जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका होगा, ठीक है। आप यहाँ इस पे रिफ्रेश करोगे, इधर ही कर्सर रख के यहाँ रिफ्रेश करोगे, साइड से ये टेबल आ रहा होगा, इसका मतलब है कि टेबल क्रिएट हो चुका है, सही है। और आपके पास जो ये आउटपुट वगैरह होते हैं ना यहाँ पे, सही है, इधर जो आपके पास जो भी कनेक्शन है या जो भी आपके पास आउटपुट है, ऑपरेशन है, यहाँ पे भी लिखा हुआ आ जाता है कि अपडेट हो गया है, क्रिएट हो गया है, आप सक्सेसफुली हो गया, ठीक है, कम्प्लीटेड। बात समझ में आ गई, अब ये काम करो। टेबल बनाने के बाद और यहाँ से अपडेट करने के बाद अब मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, सही है। मैं कही हूँ आप बिल्ड के ऊपर और बिल्ड पे प्रोजेक्ट के ऊपर चले जाओ, प्रोजेक्ट पे जाने के बिल्ड कर लो पहले, तो इसको बिल्ड पे जाओगे और इसको रीबिल्ड कर लोगे एक दफा, ठीक है। बिल्ड पे जाके मैंने रीबिल्ड कर लिया, अब मैं प्रोजेक्ट पे जा रही हूँ, एड न्यू आइटम पे जाऊंगी और मैंने यहाँ से, अच्छा पहले आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे देख लेना, ऐप डाटा नहीं कनेक्ट होना चाहिए आपको, वापस यहाँ कर्सर रखो, ठीक है, और बल्कि मॉडल के ऊपर कर्सर रखो, पहले मॉडल ऐड कर लो, मॉडल पर राइट क्लिक करा, ऐड पे आई मैं, ठीक है, और मैं न्यू आइटम पे आ रही हूँ, सही है। मॉडल पे ऐड न्यू आइटम ajo.net एंटिटी डेटा मॉडल, जैसे कंसोल में मैंने कराया था सेम वही मॉडल वन है, यही आपने सिलेक्ट करना है, ऐड करना है,
जैसे ही मैं ऐड करूंगी, मैंने कहा कि मैं डिजाइनर से बना रही हूँ, ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क, नेक्स्ट करा, मेरा डेटाबेस यहाँ बाय डिफॉल्ट आ रहा होगा, ठीक है, इसी को रहना है, न्यू कनेक्शन नहीं करना, समझ में आ रही है। बस सिर्फ आपने ये चेक करना आपका डेटाबेस आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो ड्रॉप डाउन पे देख लेना, आ रहा होगा वैसे। इसके बाद आपके पास क्या है, एप्टेक डीबी एंटिटीज ये आ रहा है, नेक्स्ट करा मैंने, ये चीज ऐसी चीज एज ए नेक्स्ट करा, यहाँ लोड हो गया, इसको एक्सपेंड करा, डीबीओ को एक्सपेंड करा, स्टूडेंट का टेबल आ रहा है, इसमें चेक लगाया, प्रोराइज में से चेक हटा दिया, ठीक है, और इसको यहां से क्या कर दिया, फिनिश। अब मैं बताती हूँ कि ये हमारे पास कहाँ जाएगा। अच्छा, इसके बाद मेरे पास ये मैसेज आता है, मैंने कहा डोंट शो दिस मैसेज अगेन देन ओके, वरना अगर मैं सिर्फ ओके कर दूंगी, चेक नहीं लगाऊंगी डोंट शो पे, तो मेरे पास दो दफा वो पूछेगा एटलीस्ट। सही है, अब ये मेरे पास लोड हो रहा है, इसे मैं लोड हो जाएगा, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये लोड होने के बाद इसके मॉडल वैसे ही आते हैं जैसे हमने कंसोल में काम किया था। लोड होने दोस्तों, लोड होने के बाद आप यहाँ देख सकते हो कि आपके पास ये इस तरीके से आ चुका है, ठीक है, आपका स्टूडेंट मॉडल हमारे पास यहाँ पे ये क्या हो चुका है, आ चुका है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये आपका मॉडल है। अच्छा, व्यू पे आने के बाद हम यहाँ आते हैं अदर विंडो, और मैं यहाँ आने के बाद डेटाबेस एंटिटी डेटा मॉडल, अच्छा इधर देखो एंटिटी डेटा मॉडल ब्राउजर भी होता है आपके पास, ठीक है, वो भी आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, ये भी आप चीजें खोल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही हूँ हमारे पास और क्या क्या चीजें व्यू में होती है। देखो अगर आपका सोल्यूशन एक्सप्लोरर नहीं खुलता ये खोल सकते हो, ट्रीम एक्सप्लोरर, सर्वर एक्सप्लोरर हमारे पास ऑलरेडी खुला हुआ है, ठीक है, ये सारी चीजें आप यहाँ से आप देख लो, और क्या क्या चीजें, ऑब्जेक्ट ब्राउजर जो हमें जरूरत होती है ना हम वहां से ये खोल लेते हैं, यहाँ से कुछ भी खोलना है ना तो आप यहाँ से खोल सकते हो, ठीक है। प्रोजेक्ट के अंदर चीजें होती है ऐड कराने के लिए होती है, बिल्ड का मतलब ये होता है कि आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करना चाहते हो तो यहाँ से करते हैं, डीबगिंग करते हैं, ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, टेस्ट करना है तो हम टेस्टिंग यहाँ से करते हैं, एनालाइज करना है कुछ तो हम एनालाइज यहाँ से करते हैं, ठीक है, ये विंडो है, कोई भी विंडो अगर ओपन है तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर सकती हूँ, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात, हेल्प के लिए जो इनकी अपनी चीजें हैं, तो आपके पास अगर कुछ भी नहीं खुला तो आप यहाँ से ओपन करा सकते हो। खैर, हमारे पास ये मॉडल हमने ऐड कराना है, तो आप सबसे पहले मॉडल ऐड कराओगे, फोल्डर आप यहाँ क्लिक करोगे, मॉडल ऐड करने के बाद आप देख सकते हो रेफरेंस के अंदर बहुत सारी चीजें ऐड हो गई है, खुद ऑटोमेटिकली ऐड हो गए, और ये मेरे पास मॉडल है, ठीक है, और मॉडल के अंदर मेरे पास ये स्टूडेंट की क्लास खुद बनी हुई आ रही है, ठीक है, स्टूडेंट डॉट सी एस की क्लास, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये आप पहले सबसे पहले आपने मॉडल क्रिएट करना है, मॉडल क्रिएट करें, इधर देखो यहाँ मेरे पास ये काम हो चुका है, मॉडल ऐड हो चुका है, डेटाबेस हमने बना लिया है, ये सारी चीजें हमारे पास हो गई है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, प्रोजेक्ट में जाने के बाद एड न्यू आइटम पे जाना है, ठीक है, और यहाँ से हमने वेब फॉर्म पे कर्सर रखना है, ठीक है, एक मिनट, इसको जरूर सिलेक्ट कर लेना ऊपर से, इधर उधर कहीं सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना, प्रोजेक्ट पे जाकर एड न्यू आइटम पे जाकर वेब फॉर्म पे जाओगे तो तुम्हें वेब फॉर्म पे वेब पे कर्सर रखो, विंडोज फॉर्म पे रखोगे तो नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आ रहा, प्रोजेक्ट का टाइप नहीं आ रहा, सही है, मैंने वेब पे कर्सर रखा, अब आ रहा है मेरे पास, ठीक है, यहाँ मैंने इसको सिलेक्ट करा, अगर लेआउट बनाना है तो वो अलग बना सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ इसको कर दिया अभी सिर्फ इंडेक्स एड कराया, ये आ गया मेरे पास। टेबल्स अपने खोल लो कि भाई तुम्हारे पास टेबल में ये चीजें हैं, सही है, बात समझ में आ रही है। यहाँ ना कोई इशू, ये पेज क्रिएट करो क्विकली, ये देख सकते हो मैंने यहाँ पे किया क्या है, डिजाइन के अंदर जो आपका इंडेक्स का पेज हमने लिया था उसके अंदर हमने जो है वो अपने टेबल ऐड करे हैं, टेबल हमारे पास है थ्री,
कॉलम है और 9 रॉज है, समझ में आ रही है बात? 3 कॉलम्स एंड 9 रॉज हैं, इसके ऊपर हमें क्या करना है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले आप ये टेबल क्रिएट करें, टेबल यहाँ से करके करोगे इंसर्ट टेबल, ठीक है? 60% रखा था टेबल, टेबल पे जाकर इंसर्ट टेबल, 8 रॉज 3 कॉलम 60%, ठीक है? करो क्रिएट। यहाँ हम सोर्स पे आ रहे हैं, सोर्स पे आने के बाद मैंने यहाँ पे जो मेरे पास ये टेबल है, टेबल से अवफ ले लो या टेबल के अंदर ही करके कैप्शन करके ले लो, हेडिंग जो डालनी। हमने यहाँ पे गए और हमने यहाँ पे क्या करा, कैप्शन लिया, कैप्शन लगाया, कैप्शन के अंदर मैंने जो है वो यहाँ रखा है हेडिंग 4, और हेडिंग 4 के अंदर मैंने यहाँ पे रखा है स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है? और यहाँ आप डिजाइन पे आके देख सकते हो ये मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मेरे पास जितने भी कॉलम यहाँ लिखे हुए हैं ना, वो मैंने यहाँ पे सिर्फ टाइप करना है, लेबल वेबल यहाँ कुछ नहीं लिया, लेबल सेकंड कॉलम में लेना है, सही है? लेबल भी नहीं लेना, बल्कि मुझे क्या लेना है, टेक्स्ट बॉक्स लेना है, क्योंकि मैं खुद दूंगी, ठीक है? तो यहाँ मैं कोई लेबल नहीं ले रही, डायरेक्ट कॉलम में लिख रही हूँ, ठीक है? स्टूडेंट आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है तो मैं यहाँ नहीं लिखूंगी, ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो मैंने अगर लिखना है हेडिंग तो लिख दो, कोई मसला नहीं है, उसके आगे कुछ करना नहीं है, स्टूडेंट आईडी, ठीक है? उसके बाद मैंने यहाँ पे कहा कि मेरे पास है फुल नेम, ईमेल आईडी, ठीक है, बैच कोड, ठीक है, एड्रेस, सेल नंबर, ठीक है, और यहाँ पे मैंने रखा हुआ है जेंडर। ये चीजें मैंने लिख ली। अब आपकी बारी है इस वाले कॉलम की। इस वाले कॉलम के लिए आपने लेना है टूल बॉक्स, समझ में आ रही बात? इस कॉलम पे कर्सर रखा, अब मैंने इस टूल बॉक्स के अंदर स्टूडेंट आईडी के ऊपर मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर मैं डिस्प्ले भी कराऊं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक लेबल लगा के छोड़ दे, कुछ नहीं करना इस पे। नीचे जो है फुल नेम के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो मैं सबसे पहले जाके सर्च करूंगी कि मेरा जो है वो टेक्स्ट बॉक्स कहाँ पे मौजूद है, ठीक है? गेरा टेक्स्ट बॉक्स हमारा यहाँ पे मौजूद है, हमने यहाँ पे आने के बाद ड्रैग कर दिया, गेरा हमारा फुल नेम, ठीक है? अगर आप फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अलग लेना चाहते हो तो इसको भी स्पेस करके यहाँ 2 लगा दो, मर्जी है, और उसके साथ लिख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट नेम और यहाँ लिख सकते हो लास्ट नेम, मैं एक ही में ले रही हूँ, मुझे नहीं लेना अलग से, ठीक है? ईमेल एड्रेस के लिए भी मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स ही है, अभी फिलहाल मैंने इसको यहाँ पे करा। बैच कोड के लिए मैंने कहा कि मेरे पास बैच कोड के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी, ठीक है? मैं अभी इसको सेट कराती हूँ, और बैच कोड मैं डेटाबेस से उठाऊंगी, मैं एक और टेबल बनाऊंगी अभी, ठीक है? एड्रेस के लिए मैंने अपना टेक्स्ट बॉक्स ही उठाया, सही है? सेल नंबर के लिए भी मेरे पास क्या है, टेक्स्ट बॉक्स ही है। जेंडर के लिए मैंने यहाँ रेडियो बटन लेना है, क्या लेना है, ठीक है? तो मेरे पास ये रहा रेडियो बटन, एक रेडियो बटन ये रहा, सही है? इसके बाद आप स्पेस देके एक और रेडियो बटन ले, ठीक है? 2 रेडियो बटन, बात समझ में आई? जो भी चीज आपने यहाँ पे लिए इनको सिलेक्ट करना है, कॉलम सिलेक्ट नहीं करना, लेबल पे कर्सर रखोगे और इसकी प्रॉपर्टीज पे जाओगे तो इसकी आईडी यहाँ से लेबल 1 से इसको चेंज करना, कॉलम को नहीं करना कि मैं कॉलम पे कर्सर रखूं और मैं यहाँ जाके ढूंढूं कि भाई मेरे पास तो प्रॉपर्टी में नाम का आई नहीं रहा, ठीक है? तो आपने यहाँ लेबल पे कर्सर रखना है, और लेबल के कर्सर पे रखकर अब मैं यहाँ पे जो चेंज करूंगी वो मैं स्मॉल लेटर में बिना स्पेस दिए करूंगी, अंडरस्कोर यूज करते हुए। स्टूडेंट आईडी लेबल है, एलबी है। इसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करा, यहाँ आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स 1, मैंने यहाँ लिखा फुल नेम अंडरस्कोर TXTBX टेक्स्ट बॉक्स शॉर्ट, ताकि मुझे पता चले कि ये टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है? ईमेल आईडी के लिए टेक्स्ट बॉक्स 2 आ रहा है, मिटाया इसको, लिखा ईमेल अंडरस्कोर TXTBX टेक्स्ट बॉक्स। बैच कोड है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है,
तो मैंने यहाँ लिखा डी ए टी सी एच बैच अंडरस्कोर ड्रॉप डाउन, ठीक है। एड्रेस है मिटाया है, यहाँ पे एड्रेस अंडरस्कोर टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे आने के बाद इस पे सेल नंबर है, सेल नंबर अंडरस्कोर टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन है हमारे पास। तो ये मेरे पास पहला कौन सा है, मैंने कहा मेल आर बी टी एन, और इसका जो टेक्स्ट है ना वो मैं लिख दूंगी मेल, सही है। और भी चीजें हमारे पास ग्रुप में होते हैं, हम ग्रुप करके इसको डिफाइन करते हैं। अब इधर आ जाओ, अब यहाँ पे लिखो कि ग्रुप का नेम क्या है, जेंडर, सही है। और यहाँ पे आने के बाद हमने लिखा है फीमेल आर बी टी एन, ग्रुप नेम सेम होना चाहिए, ठीक है, जेंडर। देन हमारे पास है यहाँ पे फीमेल टेक्स्ट, ठीक है। अब ये आपका डिजाइन हो गया, समझ में आ रही है। और ये स्टूडेंट आईडी का टेक्स्ट अगर चेंज करना है ना तो आप ये लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है। कि हमारे पास कुछ इस तरह का होगा, समझ में आ रही है बात। ये हमारे पास 100 करके है ना, 1, तो हमारे पास कुछ इस तरह का है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा, इसका जो टेक्स्ट कलर है ये बहुत ज्यादा डार्क हो रहा है, तो आप इसका जो कलर है वो चाहो तो आप यहाँ से इसको 4 कलर लेके और लाइट ग्रे करके दे दो कि भाई ये हल्का सा ब्लरसन हो रहा है, ठीक है। इस चीज को आपने सेव करना है, सेव करके एक दफा आप इसका प्रीव्यू देख लो कि मेरा फॉर्म का प्रीव्यू कैसे नजर आ रहा है। वैसे हमें यहाँ पे नीचे बटन भी लगाने, ठीक है। अभी हम सिर्फ प्रीव्यू देख रहे हैं कि हमारा जो फॉर्म है उसका हमारा प्रीव्यू नजर कैसे आ रहा है, ठीक है। यहाँ बैच कोड के अंदर कुछ है नहीं, इसलिए ड्रॉप डाउन मेरे पास ऐसी आ रही है। आईडी मेरी छह खुद से लिखनी नहीं है क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट है, तो मेरे पास लेबल लगाया है, तो मैं यहाँ कुछ टाइप कर ही नहीं सकती। इनमें मैं चीजें टाइप कर सकती हूँ, इसमें मैं चीजें टाइप कर सकती हूँ, यहाँ मैं टाइप कर सकती हूँ, यहाँ टाइप कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं रेडियो बटन आप देख रहे हो कि एट अ टाइम एक ही सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हम देख सकते हैं कि भाई हमारे पास क्या। अब हम कुछ भी लिखेंगे तो हमें रिकॉर्ड इंसर्ट कराना है, तो उसके लिए मेरे पास बटन होगा तो रिकॉर्ड मेरा इंसर्ट होगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ से बटन उठा लेना, ठीक है। बटन उठाया और मैंने यहाँ पे रख दिया, और बटन का जो प्रॉपर्टीज है उसमें हम बटन के टेक्स्ट पे जाके लिखेंगे इंसर्ट, ठीक है। और इधर मैंने लिख दिया इंसर्ट अंडरस्कोर बीटीएन, ठीक है। करो इसको सर्वे, मुझे ना ये बैच कोड बाउंड कराना है ना, तो मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट का टेबल बनाया है, मैंने राइट क्लिक करा, एक और एड न्यू टेबल करा, ठीक है। इस टेबल का नाम सबसे पहले मैंने चेंज किया बैच, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास है बैच, एक नॉर्मली आईडी आ रही है, और इसके साथ मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, नहीं ये तो मेरा ऊपर वाला जो टॉप का है ना, ये जो है इसको मैंने यहाँ पे रखा है, ये मेरा बैच कोड है, ठीक है। ये मेरा बैच कोड है, लेकिन ये मेरा इंटीजर नहीं है, मेरे पास क्या है, ये वारचार है, ठीक है ना। हाँ मतलब बैच कोड ना हमें मिक्स रखना है, तो मैंने यहाँ पे रखा है वारचार, मैंने वारचार लिया भाई, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट नहीं है, ये बैच की जो है वो आपकी टाइमिंग होगी, ठीक है, 5 to 7 जिस तरह होती है। तो ये भी हमारे पास क्या है, वारचार। इसी तरीके से हमारे पास डेज है, ठीक है, और ये भी हमारे पास जो है वो वारचार है, सही है। और इनको अलाउ ना नहीं रखना, और स्टार्ट डेट है, स्टार्ट डेट है, और इस
में हमने जो है वो टाइप क्या रखनी है, डेट रखनी है, और ये हम बाद में बता सकते हैं, ठीक है। अपडेट किया, अपडेट डेटाबेस किया, रिफ्रेश करा, यहाँ पे मेरे पास बैच का आ गया, इस पे राइट क्लिक किया, ठीक है, शो टेबल डेटा भी गए, यहाँ मैं लिख रही हूँ, आने दो, ठीक है। पहली बात तो ये है कि मेरे पास ये जितने कंट्रोल है इनको पहले तो मैंने सिलेक्ट करा है, इसको छोड़कर सिर्फ इसे सिलेक्ट करा और इनकी प्रॉपर्टीज में जाके जो इनकी इंटरेस्ट है वो मैंने कर दिया है 100%, सही है। इनको नहीं सिलेक्ट करना, मेल एंड फीमेल को। यहाँ पे आई हम काउंट पे, चूज अ डेटा सोर्स, मैं डेटा सोर्स जो सिलेक्ट कर रही हूँ, न्यू डेटा सोर्स ड्रॉप डाउन की, अब मेरा डेटा बेस, अब मेरे पास एक्सएमएल नहीं है बल्कि क्या है, डेटा बेस है, सिलेक्ट करा, ये है मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट टेबल क्या है मेरे पास, स्पेसिफाई द कॉलम फ्रॉम आवर टेबल, मैंने कहा सारी चीजें उठानी है, बैच की ही उठानी, ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक नहीं उठाना, अगर कोई स्पेसिफिक उठाना, मैंने कहा मुझे बैच में तो सिर्फ ये लेके और बाकी चीजें नहीं चाहिए, तो मुझे ये ही उठाना है, ठीक है, बैच कोड उठाना है ना, तो मैंने यहाँ पे इसको चेक लगा दिया, नेक्स्ट करा और मैंने कहा टेस्ट क्यूरी करके देख लो ये उठा रहा है, ठीक है, फिनिश किया। डिस्प्ले के अगर मैं मल्टीपल उठाती तो मैं डिस्प्ले में और पीछे का चेंज करा सकती थी, लेकिन मुझे नहीं कराना, सेम रखना है, ठीक है। इसको मैंने ओके करा, अब मेरे पास बाउंड हो गया, अब मैं इसको चला रही हूँ और चला के मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे पास यहाँ पे डेटा बेस से मेरा हो गया। जब भी मेरे पास इस बैच के टेबल में नया बैच एड होगा मेरे ड्रॉप डाउन के ऊपर डिस्प्ले होगा, सही है, बात समझ में आ रही है। अच्छा देखो यहाँ पे मेरे पास ये रहा, ठीक है, इस तरह ये बैच कोड मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, ये आ रहे हैं आपके पास बैच कोड, ठीक है। अब मैं कुछ भी पीछे से डेटाबेस से, यानी मैं यहाँ पे अपने जो मेरे पास डेटाबेस मौजूद है ना, ठीक है, आप यहाँ जो सर्वर एक्सप्लोरर ये रहा एड किया, अब मैं यहाँ शो टेबल पे जा रही हूँ, मैं कोई भी रिकॉर्ड एड करूँ या डिलीट करूँ उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ये लिखा और 11:1 टैप ETS, ठीक है, और ये लिखा मैंने, सेव करा। अब आप यहाँ देखो इसके ऊपर मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, रिफ्रेश करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ये बदल गया। तो डेटाबेस में मैं कुछ भी ऐड करूं, डिलीट करूं, मैं अपनी डिजाइनिंग में चेंज नहीं करूंगी, यहीं से डाटा खुद ब खुद आएगा, खुद ब खुद जाए। ये तो मैंने सिर्फ डेटाबेस से ड्रॉप डाउन को बाइंड करवाया, सही है। अभी हमें स्टूडेंट के टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, सही है।